का इस्तेमाल कैसे आप घर पर अनेक चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों छुटकारा पा सकते हैं और अपनी अनेक बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, आजकल हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो सारा किसी ना किसी प्रकार से हमारे शरीर को घेर लेती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी घर पे जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों इलायची, इलायची हमारे किचन में सबसे छोटे मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आप कैसे इस छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल कर अपने बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इलायची में, जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं इलायची की, इलायची में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसे अतिरिक्त इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो शरीर में डिऑक्साइड करने में सहायता करता है। तो आइए जानते हैं, पहला है दोस्तों छोटी इलायची आपके दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, अस्थमा जुकाम और खांसी जैसे रोगों को बचाने में राहत दिलाती है और फायदेमंद होती है। इलायची में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं जो इंसान के रक्त शरीर में मौजूद तरल और उत्कंड पर जो आपके प्रमुख तत्व हैं इलायची, उनके सेवन से आपको काफ़ी हद तक फायदा देगी। इलायची के नियमित सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी जा सकती है। इलायची में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह के कैंसर, त्वचा के कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में कारगर साबित माने जाते हैं। इलायची सांस की बीमारी में भी बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है, इसलिए दिन में एक या दो बार चबाकर, या आपको करना क्या है, एक दो बार जब आप इलायची चबा चबा कर अगर आप खाने में मिलाकर सेवन करना चाहिए, फेफड़ों का संतुलन और अस्थमा में भी कारगर माना जाता है। लंबे समय से इलायची का इस्तेमाल मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। इलायची माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो इलायची आपके लिए फायदेमंद है। आप एक छोटी इलायची को पका कर अगर आपको पानी में डाल देना है और इस पानी को अगर आप पी सकते हैं तो आपको पीना है, ये कब्ज की समस्या को दूर करता है। तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं ये सब समस्याओं से आप छोटी सी इलायची आपको फायदा दे सकती है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप शराबी व्यक्ति की जो लत है उसे भी इलायची आपको काफ़ी हद तक फायदा दे सकती है। अब आपको क्या करना है आइए जानते हैं। जब भी शराबी व्यक्ति को शराब की तलब आए, एक से दो इलायची मुंह में रखकर आप चूसने के लिए कहें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक फायदा होगा। व्यक्ति की जो लत है वो धीरे धीरे कर समाप्त होगी और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ देगा, कभी भी शराब नहीं पिएगा। दूसरा है दोस्तों सौंफ और इलायची को सेंक कर चूर्ण बनाकर भी अगर आप व्यक्ति को देंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक फायदा होगा। व्यक्ति की जो लत है वो धीरे धीरे कर समाप्त होगी और व्यक्ति शराब छोड़ देगा। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।